अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर नंबर 27 है। यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं हम, जिसका नाम है अप इन द स्काई, यानी कि आसमान के ऊपर या आसमान पे जो आपको नज़र आता है या जो आप देखते हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने इस यूनिट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्काई, ठीक है जी। वो कहते हैं वी सी मैनी थिंग्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट। हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसमान पर दिन के टाइम भी देखते हैं और बहुत सारी जो है वो नाइट टाइम भी देखते हैं जी। डे टाइम में आप क्या क्या देखते हैं? डे टाइम में आप बर्ड्स देखते हैं, एरोप्लेन्स देखते हैं, सम टाइम आप काइट्स देखते हैं, पतंगे, ठीक है, जो वो हवा में उड़ रही होती हैं। और उसके बाद आप क्या देखते हैं डे टाइम में आसमान पे? सन देखते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा चमक रहा होता है। और नाइट टाइम में आप क्या देखते हैं? नाइट टाइम में आप स्टार्स और मून देखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, वी सी द ब्लू स्काई ड्यूरिंग द डे, इट इज़ डार्क एट नाइट, ठीक है। वो कहते हैं डे टाइम में जो आप स्काई का कलर देखते हैं वो क्या होता है जी? ब्लू होता है। और नाइट टाइम में कैसा होता है? ये डार्क होता है, ठीक है। उसके बाद देखें, आप देखते हैं वी सी द क्लाउड फ्लोटिंग हेयर दे, सम टाइम आप देखते हैं बादलों को वो क्या कर रहे होते हैं? इधर उधर जो है वो तैर रहे होते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया द ब्राइटेस्ट थिंग वी सी इन द स्काई इज़ द सन, जो आपको चमकदार तरीन, सबसे ज़्यादा चमकदार जो चीज़ नज़र आती है डे टाइम में वो क्या है? आपका सन। इस रेलिवेंट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट, ठीक है। आसमान का कलर दिन में कैसा होता है और फिर रात में कैसा होता है? तो इसका आंसर मैंने लिखा है ब्लू स्काई ड्यूरिंग द डे, ठीक है, नीला आसमान दिन के वक्त, एंड डार्क एट नाइट, और रात के वक्त कैसा होता है? सियाह होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग द डे एट नाइट, आसमान का कलर रात के वक्त और दिन के वक्त कैसा होता है? तो आपने बताना है ब्लू स्काई ड्यूरिंग द डे एंड डार्क एट नाइट, ठीक है। ये हमारा लेक्चर हो गया। और उसके बाद आप लोगों को टेस्ट असाइन किया गया था चैप्टर नंबर 1 का, वो मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हाउ मैनी सेंसेस ए नॉर्मल ह्यूमन हैज़। नंबर 2 पे है विच ग्रुप फूड गिव अस एनर्जी, गिव एग्जांपल्स, ठीक है बेटा। और 3rd है हाउ प्रोटीन्स हेल्प अस। ये आप लोगों ने टेस्ट लिखना है और फ्राइडे को सबमिट कराना है। अल्लाह हाफिज़।